ओम शांति। जो स्थिति आने वाले समय में हमें बहुत काम आएगी, हमें ऊंच पद का, भाग्य का अधिकारी बना देगी, जो हमें सर्व परिस्थितियों से, प्रकृति की हलचल से पार कर देगी और बाबा के दिल तख्त पर, विश्व के रजाई तख्त पर विराजमान करेगी। वो स्थिति है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। लेकिन बाबा बार बार ये बात कहते हैं कि बच्चे, लंबे काल का अभ्यास ही अंत समय में काम आएगा। अगर हम सोचते हैं कि अंत समय में जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं आत्मा बाबा की याद में रहूंगी, लेकिन ये अभ्यास अगर हमने जीवन पर्यंत नहीं किया, अर्थात नष्टो मोहा नहीं बने, अशरीरी नहीं बने, बंधन मुक्त नहीं बने, तो अंत समय में हम इसमें फेल हो जाएंगे, धोखा खा लेंगे और दुर्गति को पा जाएंगे। और दुर्गति माना परिस्थितियों में, प्रकृति की हलचल में पिस जाएंगे, दुखों के पहाड़ों में डोलते रहेंगे। तो इसलिए हमें अब इस अभ्यास को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ी प्रारब्ध है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, बंधन मुक्त बनना, तभी नष्टो मोहा बन सकेंगे। और एक बाप की याद में सदा काल एकाग्र, एक रस रह सकेंगे। इसके लिए हमें देह में विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाना है और ये अनुभव करना है, मैं बिंदु आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, शरीर अलग है। इस प्रकार ये अभ्यास पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देनी है, तभी हम जीवन मुक्त, बंधन मुक्त और हर चीज से लगाव से मुक्त होने का अनुभव कर सकेंगे। और रोज हमें ये अनुभव करना है कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हूँ, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये मुझसे अलग है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। स्वयं को देखने का अभ्यास बढ़ाएं, मैं तो ये हूँ, बिंदु स्वरूप दिव्य पवित्र आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जितना जितना देह में विदेही होने का अभ्यास करेंगे, उतना ही जीवन मुक्त, बंधन मुक्त और इस संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। स्वतः ही सारे मोह के बंधन, लगाव के बंधन, सूक्ष्म बंधन में कटते जाएंगे, क्योंकि आत्मा निर्बंधन है, स्वतंत्र है। और ये देह अभिमान ही हमें सब तरफ, सब हलचलों में, सभी बंधनों में, सूक्ष्म बंधनों में, इच्छाओं में फंसाता है। इसलिए हमें देह में विदेही होने का अभ्यास करना है और बुद्धि से एक बाप को ही याद करना है, बाबा से बातें करनी है, बाबा मैं तो निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं है, करावन हार आप हैं, मैं तो करन हार हूँ, जैसे भी आप चलाएंगे, जैसे भी आप रखेंगे, वैसे ही मैं रहूँगी, वैसे ही चलूँगी, हर परिस्थिति में, बात में निरसंकल्प रहूँगी।
अब मुझे आपके पास घर आना है। ये सब कुछ तो टेम्परेरी है, ये सब कुछ तो अब छूटना है, अब मुझे आपके पास आना है बाबा, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। तो जितनी ये स्थिति घर वापिस जाने की रहेगी, उतना ही हम इन सब से न्यारे हो जाएंगे और अशरीरी विदेही स्थिति का बहुत सरलता से अनुभव कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने ये वार्निंग दे दी है कि बच्चे, तुम्हारा देह बाबा की याद में ही छूटे तभी कल्याण होगा, सदगति होगी, नहीं तो दुर्गति होगी, भूत की योनि में भटकते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे। इसलिए कोई भी इच्छा, कोई भी संकल्प माना बंधन है, अब हर बंधन से मुक्त हो जाओ। जो कार्य जब करना है तब करो और बाकी सब कुछ बाबा को सौंप कर निरसंकल्प रहो, अशरीरी बनकर उसकी याद में मगन रहो। बाकी ज़्यादा संकल्प, ज़्यादा अटैचमेंट, इच्छाएं कहीं भी मत रखो, क्योंकि ये सब कुछ टेम्परेरी है, हमें फंसाने वाला है। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरा किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मेरी यात्रा पूरी हुई, अब मुझे वापिस बाबा के पास जाना है। बाबा, बस मैं आपके पास आई की आई। ओम शांति।